शरस, सबसे पहले जानना चाहूँगा आप ये शो कितना देखते हैं? मैं आई मीन मैडम यार बीच बीच में देखा, टू बी ऑनेस्ट एकदम रेगुलरली नहीं देख पाता, लेकिन मैंने काफ़ी सुना था इस शो के बारे में एंड यू नो देखा, फॉलो करती है, मेरी सासू माँ भी फॉलो करती है, पर बीच बीच में जब भी मैं देखता था आई यूज़ टू फाइंड इट रियली फनी. आई थिंक द ह्यूमर इज़ नाइस, प्योर, genuine. So I used to enjoy whenever I used to watch it. I used to enjoy the show. नेहा के बारे में. नेहा दिखाई जो हमने कुछ 2000-2001 में एक मराठी सीरियल की थी, एपिसोडिक था वो, और तब हमने एक साथ काम किया था. उसके बाद में आज हम कर रहे थे, तो उसने मुझे वो फोटो दिखाया उस वक्त. और तो मतलब वो तो पहले से अच्छी दिखती है. Please. यहाँ पे सुबह शो द फोटोज. मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं तब ज्यादा बुरा था या अब कम बुरा हूँ. ओके, इस शो पे आए हैं फिल्म के, फिल्म को भी प्रमोट करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या देखा, टीजर देखा? नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट अ फिल्म प्रमोशन थिंग, मोर यू नो अ फ्रेंड ऑफ माइंड कॉल्ड, जो प्रोड्यूसर्स है और जो चैनल में दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि यार वुड यू लाइक टू डू अ स्पेशल अपीयरेंस प्लेइंग योरसेल्फ इन द सीरियल. एक हमारा ऐसा एपिसोड है जहाँ हम चाहते हैं कि एक एक्टर आता है और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हंगामा हो जाता है दो एपिसोड में और फिर वो अपना काम करके चला जाता है. सो आई रियली बिकॉज आई हैड लाइक द शो, तो मुझे अच्छा लगा था कि मैंने कहा ठीक है यार, दो दिन का काम है, मैं आके करके जाता हूँ. इसी बहाने आप पुराने दोस्तों से मिलते हो. संदीप जो इसका लीड है, आई थिंक इज अ रियली रियली टैलेंटेड गाय, वेरी क्यूट गाय, तो इन सब के साथ काम करने का मौका मिला. एंड आई थिंक बहुत दिनों बाद मैंने टी वी का फिक्शन किया है, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस ऑल्सो, बिकॉज फिल्मों में और टीवी में काफ़ी फ़र्क लगा मुझे. सो दे आर वेरी फास्ट, तो उनके स्पीड के साथ मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी फिल्म भी आ रही है श्रेयस, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे. फिल्म बात आज हवा के ठंडे झोंके की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई, सो आई थिंक दूसरी जो आएगी दैट विल कम नेक्स्ट ईयर. ओके नेहा, क्या कहना चाहेंगे? के पीछे आने के पीछे क्योंकि सब दोस्त मिले, सब एक साथ यादें ताजा हों, दो दिन शूट किया जी, बहुत बहुत ही अच्छा लगा. एंड जब मुझे पहली बार पता चला कि श्रेयस आ रहे हैं, तो इमीडिएटली मैं नॉस्टैल्जिक मेमोरी में लाइक, मैं पहले मैंने ये सवाल सोचा कि यार मैं कितने सालों के बाद हम एक साथ काम करने वाले हैं. एंड यस्टरडे व्हेन ही मेंशन, तो आई गेव अ कॉल टू माय जिनके साथ हमने पहले काम किया था, लाइक सर मुझे वो फोटो चाहिए, यू नो वी वांट टू सी दैट फोटो. तो इमीडिएटली मैंने फोन किया, वो तस्वीर वहां से निकलवाई, लाइक दिस आई हैव टू शो टू श्रेयस. तो बहुत अच्छा लगा. एंड ही इज ऑब्वियसली अ स्वीट हार्ट, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट गाय, द सेम आई थिंक ही इज द सेम व्हाट ही वाज देन व्हाट ही इज नाउ. सो वो मुझे देख के ज्यादा अच्छा लगा. इतने सालों बाद दे हैव गॉट देम बैक टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज इन फैक्ट फॉर मी. एंड दोनों मेरे दोस्त हैं, साजिद भी और रितेश भी, और दोनों कम्प्लीटली पागल है, मेंटल है दोनों, तो जो कुछ करेंगे वो ऐसे मेंटल किस्म का ही होगा, बट हाईली एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि जो सेंस ऑफ ह्यूमर है दोनों का वो बहुत कम लोगों के पास वैसा होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. ओके, पोस्टर बॉक्स को क्या हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे हैं और कहां तक हो चुका है उसका? स्क्रिप्टिंग लॉक हो गई है उसकी, एंड आई गेस वी शुड बी ऑन फ्लोर्स अर्ली नेक्स्ट मंथ. डायरेक्टिंग विद मी? आई विल बी डायरेक्टिंग इट. डोंट यू थिंक यू शुड आस्क रोहित टू डू द सेम अलोंग? रोहित इज ऑलरेडी बिजी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड रोहित इज गोइंग टू बी डायरेक्टिंग गोलमाल 4 व्हिच वी स्टार्ट इन जनवरी. ओके, टेल अस, कितनी अलग होगी गोलमाल 4? अलग तो होगी, यू नो रोहित जिस तरीके से उसकी घुड़सवारी कर रहा है, आई एम श्योर दैट ही हैज अ लॉट ऑफ एसेस अप हिज स्लीव. सो या वी ऑल ऑफ अस आर इन फैक्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक टुगेदर एंड डूइंग द सेम काइंड ऑफ मस्ती दैट वी यूज्ड टू डू इन गोलमाल. ओके, द लास्ट वन, इफ यू कैन कुड प्लीज रिवील लिटिल मोर अबाउट पोस्टर बॉयज, हु आर द कास्टिंग, हु आर द पीपल ऑलरेडी जीरो डाउन? देयर इज सनीपा जी, देयर इज बॉबी, एंड देयर इज माय सेल्फ हु विल प्ले द लीड्स इन द फिल्म. Thank you. I want to ask you, do you think Pakistani actors should hide?
This is a very subjective kind of a question. Many people have said that they should be banned. Many people have said that is not the solution. I personally feel, yeah, that might not be the solution, but it can be one of the solutions. When I say this, I mean that there needs to be a strong message that needs to go to the army, that we are with them. There needs to be a certain kind of solidarity that we know need to go to the army of our country, who are doing so much for us without really expecting anything in return. So I think it's just a question of showing solidarity. We are firmly with the army. We love them. We are proud of them. And we are proud of whatever they are doing for the country. Also yesterday, from Pakistan, he has condemned the UAE attack. So do you think like now Fawad Khan or Atif Aslam should come forward and... What they do is to them. You know, we cannot really force any of our judgments on this. ये हर एक जो मानना होता है उस हिसाब से वो लोग रिएक्ट करते हैं और कई सारी खबरें भी अलग अलग किस्म की आती है. मेरा इतना ही मानना है कि ये आज फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया के वजह से सबको एक मुंह मिल गया है. सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आर्मी को सिटीजन्स की सपोर्ट की और सॉलिडारिटी की ज़रूरत है तो आज मौका है जब हम वो दिखाएं, क्योंकि अगर वो इतनी हिम्मत करके टेररिस्ट के जो हाइड आउट्स हैं उनको जाके ख़त्म कर सकते हैं, तो आज हम उनके पीछे पूरी सपोर्ट के साथ खड़े रहेंगे.